आपको लखनऊ से एक तस्वीर दिखाते हैं कांग्रेस कार्यालय की, जहां पर कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। आज शारदीय नवरात्र में अष्टमी का दिन है और आज कांग्रेस कन्या पूजन कर रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और अष्टमी के दिन छोटी छोटी कन्याएं यहां पर पहुंची हैं और इनका पूजन किया जा रहा है। लेकिन इस कन्या पूजन के क्या मायने हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि आज के इस आयोजन को लेकर सियासी वार पलटवार भी हो रहे हैं। कांग्रेस बताती है कि हम आस्था के लिए काम कर रहे हैं, छोटी छोटी कन्याओं का पूजन किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ बीजेपी बताती है कि सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने इसकी बात कही थी, इसकी घोषणा की थी कि पूरे प्रदेश में नवरात्र के दिनों में कन्या पूजन किया जाएगा और आज अष्टमी का दिन बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और कन्याओं का पूजन यहां पर किया जा रहा है। लेकिन एक बात साफ समझ आती है, जैसा बीजेपी का कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस ऐसा कर रही है, तो क्या यह कहा जाए कि कन्या पूजन के पीछे राजनीतिक मंशा है और बीजेपी की राह पर अब कांग्रेस चल रही है? क्योंकि राहुल गांधी कई चुनावों में, चाहे वो गुजरात का चुनाव हो या अभी आने वाले विधानसभा चुनाव, मंदिर मंदिर जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए क्या कन्या पूजन का सहारा ले रही है, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं आप, कन्याओं को चूनर उड़ाई गई, तिलक लगाकर पूजन किया गया उनका और आज अष्टमी का दिन है। कई जगह कन्या भोज और कन्या पूजन का आयोजन किया जाता है, लेकिन आज की तस्वीर यह हम लखनऊ से कांग्रेस कार्यालय की दिखा रहे हैं और कन्याओं का पूजन करते हुए कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दिख रहे हैं। हालांकि भीड़ काफी ज्यादा है वहां पर, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या यह कन्या पूजन वाकई आस्था से जुड़ा हुआ है या फिर सियासी फायदा लेने की कोशिश है। और कांग्रेस का यह कन्या पूजन और फलाहार कार्यक्रम क्या आगे रंग दिखाएगा, उसका तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस जो है वो कन्या पूजन और फलाहार का कार्यक्रम कर रही है। खुद राज बब्बर जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है वो यहाँ मौजूद है, आप देख सकते हैं। कन्याओं का पूजन पार्टी कार्यालय में किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि पहली बार कांग्रेस कार्यालय में इस तरह से कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है। दरअसल जो तस्वीरें पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस की दिखाई दे रही है, उसमें एक तस्वीर ये भी है कि एक तरफ जहाँ राहुल गांधी गुजरात और कर्नाटका के चुनाव में मंदिर मंदिर जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांटी जो है कांग्रेस कार्यालय में कन्याओं का इस तरह से पूजन करती है, उनको भोज कराती है। तो कन्या पूजन इस वक्त पार्टी कार्यालय में हो रहा है। खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो इन कन्याओं को भोजन कराया उन्होंने, और ये एक तस्वीर जो है वो दिखाई दे रही है, जिसे कहा जा रहा है कि ये कम से कम कांग्रेस की जो सॉफ्ट हिंदुत्व की छवि है उसको लेकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है और कम से कम कांग्रेस उसे दिखाना चाहती है। शायद यही एक बड़ी वजह है कि आज पार्टी कार्यालय में इस तरह से कन्या पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ, जी मीडिया, लखनऊ।